प्लस और सेकेंड टर्म में हम जा रहे हैं। सेकेंड टर्म का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है कि तीसरी और चौथी यूनिट आपके सेकेंड टर्म में आएगी। इसमें से थर्ड यूनिट क्या है, डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और टोटल 35 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म है, उसमें 30 मार्क्स की एसक्यूएल थी। तो दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स बचा हुआ है वो हम शुरू कर देंगे। 5 मार्क्स का आएगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर आई थिंक थर्ड चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स, नो सेकंड होगा। क्लोज द करंट टैब एंड गो टू द सेकंड चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के साथ ही आपका सेकंड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए क्लास रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, क्या मीनिंग है इमर्जिंग ट्रेंड्स, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको कहते हैं, उसके बाद बिग डेटा, एक नॉर्मल डेटा होता है जो हमने माइवर स्कूल में पढ़ा था, स्ट्रक्चर डेटा होता है, लेकिन आजकल बहुत तरह के डेटा हो गए हैं, जैसे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में डेटा हो सकता है, तो डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो सभी डेटा को मिलाकर क्या है बिग डेटा। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, जैसे आपको नेक्स्ट पे देखते हैं आपके RFID टैग होते हैं उसमें इंटरनेट से अपने आप आपका पैसा कट जाता है, तो ऐसे बहुत सारे होम अप्लायंसेज हैं जहाँ पर IoT का यूज हो रहा है उसको जानेंगे। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी आपको जो आप काम कंप्यूटर पे करते हैं, जो अपना डेटा सेव करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अगर आप इंटरनेट पे करने लगेंगे तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाती है। फिर ग्रिड कंप्यूटिंग, जैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स को मिलाकर हम एक पावरफुल प्रोसेसर बना सकते हैं ऑनलाइन, तो वो ग्रिड कंप्यूटिंग है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है इंडिया में, क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ब्लॉकचेन कंसेप्ट अभी आया है, उसके बारे में जानेंगे। तो एडगर डिजास्ट्रा के कथन से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो कंप्यूटर साइंस इज नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स देन द एस्ट्रोनॉमी इज अबाउट टेलीस्कोप, कंप्यूटर साइंस इज नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स देन एस्ट्रोनॉमी इज अबाउट टेलीस्कोप। क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से एस्ट्रोनॉमी की बात करें हम, खगोल शास्त्र की बात करें तो वो दूरदर्शी के बारे में बात करता है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस केवल कंप्यूटर के बारे में बात नहीं करता, उससे भी आगे की बात कर रहा है। तो देखिए क्या बात कर रहा है, 2.1 सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर्स उभरते हुए रुझान। इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, इमर्जिंग उभरते हुए रुझान, यानी कंप्यूटर के फील्ड में क्या नए रुझान आ रहे हैं, क्या नई प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में हम जानेंगे। द कंप्यूटर्स हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, हमारे आसपास कंप्यूटर को आए हुए काफी समय हो गया है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव इमर्ज विद ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ नई तकनीक और नई नई चीजें देखने के लिए सामने आ रही है कंप्यूटर के फील्ड में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड हैव अ बेटर व्यू ऑफ द डेवलपमेंट अराउंड अस, वी मस्ट कीप एन आई ऑन द इमर्जिंग ट्रेंड्स, कि हमारे आसपास कंप्यूटर की तकनीक में क्या क्या नए नए सुधार हो रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स इस फील्ड में आ रहे हैं। तो मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज आर इंट्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन कोई ना कोई नई तकनीक मार्केट में आ जाती है। सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फेल्ड अवे ओवर टाइम, उसमें से कुछ उतनी सफलता प्राप्त नहीं करती और समय के साथ मार्केट से गायब हो जाती है। सम ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजी प्रॉस्पर एंड परसिस्ट ओवर टाइम, जबकि कुछ तकनीक इतनी प्रभावशाली और टिकाऊ होती है कि समय के साथ वो और ज्यादा हम उसकी तरफ उसको यूज करने लगते हैं। तो गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूजर, और यूजर से उसको लगातार अटेंशन
मिलती है. तो इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स. In this chapter, we will learn about some emerging trends that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction in digital society. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? उन तकनीकों के बारे में, उन उभरती उन तकनीकों के बारे में जो भविष्य में हमारे भविष्य को बदलने की और जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको बदलने की और डिजिटल सोसाइटी को इंटरेक्शन करने के तरीकों को भी बदलने वाली है. उसमें से पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर इसको हिंदी में कहें तो कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ऐसी बुद्धिमत्ता जो मानव द्वारा बनाई गई है, कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है. तो उसके बारे में देखते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप्स इन अवर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टू टेक द फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा सच एज ट्रैफिक कंजेशन. या आपको आश्चर्य नहीं होता है कैसे गूगल मैप की जो ऐप है आपके मोबाइल में वो आपको रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके ये बता देती है कि कितने जो अवेलेबल रूट है, किस पर ट्रैफिक कंजेशन है, कौन से रूट से आप जल्दी पहुंच सकते हैं. फोन अपलोडिंग फोन ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट एज इट एवर हैपेंड दैट योर फ्रेंड इन दैट फोटोग्राफ रिकॉग्नाइज्ड एंड टैग्ड ऑटोमेटिकली. व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा जैसे ही आप कोई ग्रुप फोटो डालते हैं और आपका आपके फ्रेंड्स जो पहले से वो सोशल मीडिया पर हैं उनका अपने आप टैग हो जाता है, उनका नाम अपने आप वहां पे आ जाता है, यानी सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है किसका फोटो है. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस डिजिटल पर्सन असिस्टेंट्स लाइक सीरी, गूगल नाउ, कोर्टाना, एलेक्सा आर ऑल पावर्ड बाय एआई. ये कुछ उन्होंने एप्लीकेशन बताई है. सीरी, अगर एप्पल का टैबलेट आप यूज करते हैं तो वहां पर एक सीरी नाम की ऐप आती है जो आपकी आवाज को सुनकर आपके लिए डेटा सर्च कर देती है. गूगल नाउ, गूगल नाउ में एक स्पीकर आता है, यहाँ पर आप बोलते हैं वो आपको सर्च कर देता है. कोर्टाना, एलेक्सा भी ऐसी एप्लीकेशन है जो बोलने से आपकी हेल्प करती है डिवाइस को चलाने पर. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडेवर्स टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द मशीन्स. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मतलब है? क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस जो जैसे बुद्धिमत्ता मनुष्य में होती है, वैसी बुद्धिमत्ता का काम मशीनों से कराने की कला को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. दस मेकिंग देम बिहेव इंटेलिजेंटली, मशीन इंटेलिजेंटली बिहेव करें. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive function of human like learning, decision making, problem solving. So, मनुष्य के मस्तिष्क में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाती हैं? जैसे कॉग्निटिव फंक्शन, लाइक मनुष्य सीख जाता है किसी चीज को, साइकिल चलाना सीख गया तो फिर वो भूलता नहीं. डिसीजन मेकिंग, किसी नई परिस्थिति में डिसीजन लेना, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उसको बुद्धिमान बनाती है. प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो उसको बुद्धिमान बनाती है. तो अगर मशीन भी ये काम करने लगे, मशीन भी लर्न करने लगे, डिसीजन लेने लगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ये हमने उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दिया. तो इन ऑर्डर टू मेक मशीन परफॉर्म टास्क मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, दे आर प्रोग्राम टू क्रिएट ए नॉलेज बेस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट. तो मशीन जब ऐसा काम करती है तो उनको क्या बनाना पड़ता है? नॉलेज बेस बनाना पड़ता है. पहले उनके पास एक डेटा का बेस होता है, नॉलेज बेस होते हैं उसको, और उस डेटा के बेस पर वो डिसीजन ले सकती है. तो एआई सिस्टम के नॉलेज टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स टू मेक न्यू डिसीजन. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जो मशीनें होती हैं वो पुराने पुराने रिजल्ट के बेस पर अब नए डिसीजन ले सकती है, सही डिसीजन, सटीक डिसीजन ले सकती है. तो यहाँ पर एक वर्ड आया था नॉलेज बेस. व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज बेस? नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, एजम्पशंस एंड रूल्स व्हिच कैन एआई सिस्टम कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग. तो कोई भी एआई सिस्टम, कोई भी ऐसी मशीन जो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है, उसके पास एक नॉलेज बेस होता है. और उस नॉलेज बेस में क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इसके बेस पर डिसीजन मेकिंग हो सकती है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही पहला टॉपिक है मशीन लर्निंग. मशीन कैसे सीखेगी? मशीन लर्निंग क्या टॉपिक है? मशीन लर्निंग. तो हमारे साथ जुड़ी हुई है रिया शर्मा और सिद्धार्थ, और हम पढ़ रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स
लास्ट चैप्टर है, पहली यूनिट में हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल, वो दोनों पूरे हुए हैं, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है दोनों, काफी आसान है 30 मार्क्स के, और 5 मार्क्स का थर्ड वेल चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर के फील्ड में क्या क्या नई तकनीकें उभर रही हैं और उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो हमने जाना अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अगर मशीन मनुष्य की तरह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने लगे कैसे करेगी, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य क्या होगी, उन्होंने तीन काम बताए कॉग्निटिव फंक्शंस को, जैसे वो लर्निंग करने लगे, सीखने लगे, या डिसीजन मेकिंग करने लगे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगे, तो ये तीनों काम को मशीन AI से बनी हुई मशीन अगर करती है तो कैसे कर पाती है, नॉलेज बेस के आधार पर कर पाती है। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब सिस्टम है। अगर मशीन के अंदर कुछ सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल तकनीकें होती हैं जो पुराने डेटा के बेस पर खुद डिसीजन लेने की एबिलिटी उस मशीन को प्रोवाइड करती है, तो इसको बोलते हैं कि प्रीवियस डेटा के बेस पर अगर मशीन सीख पा रही है या डिसीजन ले पा रही है तो उसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। इट कंपाइज एल्गोरिथम्स दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शन। ये ऐसी मशीनों के अंदर अपनी एल्गोरिथम होती हैं कि वो डेटा से खुद ही सीख सके और अपने प्रेडिक्शन कर सके। तो दीज एल्गोरिथम कॉल्ड मॉडल्स, इन एल्गोरिथम्स को मॉडल्स भी कहा जाता है, एंड आर फर्स्ट ट्रेंड एंड टेस्टेड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा रेस्पेक्टिवली। पहले उन मॉडल्स को ट्रेनिंग कराई जाती है ट्रेनिंग डेटा पर, फिर उनका टेस्ट होता है टेस्टिंग डेटा पर, उसके बाद वो मॉडल तैयार होता है, वो एल्गोरिथम तैयार होती है। तो आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग्स, लगातार ट्रेनिंग्स के बाद, वंस दी मॉडल्स आर एबल टू गिव रिजल्ट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल प्लस एक्यूरेसी, दे आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। तो पहले उनकी लगातार ट्रेनिंग तब तक कराई जाती है जब तक वो निश्चित एक्यूरेसी लेवल में डेटा देने लगते हैं, और जब वो डेटा सही सही आने लगता है तब उसको अनोन डेटा पर हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम मशीन लर्निंग कर पाते हैं। दूसरा टॉपिक है AI के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज को प्राकृतिक भाषाओं को प्रोसेस करना, तो द प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प अस बाय सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस बाय टाइपिंग कीवर्ड्स एंड द स्पेल चेकिंग फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, MS वर्ड में हम कोई वर्ड गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो उसको वो अपने आप पहचान कर सही कर लेता है। जैसे हमने लिखा मार्केट करते हैं तो वो अपने आप एक सजेशन आ जाता है कि टारगेट गलत वर्ड है या मार्केट होना चाहिए। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज हिंदी इंग्लिश एक्सेट्रा। और देखिए दूसरा क्या है इसमें, जब आप सर्च करते हैं यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो आपकी आवाज को पहचान कर वो आपको टाइप कर देता है, उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है, जैसे आपने ये गूगल क्रोम खोला, यहाँ पर यूट्यूब खोल दिया और यहाँ पर देखिए सर्च है, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पर कोई चीज आपको जो सर्च करनी है, या यहाँ माइक बना हुआ है तो इस माइक पर भी आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ बोल देंगे अलग करने के बाद तो वो सर्च कर देगा आपका यूट्यूब। श्री वल्ली वो कुछ और सुनना है ना। तो इस तरह से अगर आपको माइक सही काम कर रहा होगा तो आवाज वहां पर आ जाएगी। मैंने कन्नड़ा नहीं बोला है, देखिए यहाँ पर आप मोबाइल में भी आपने यूज किया होगा, देखो आ गया, आप मोबाइल में आ गया। हाँ, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई अगेन श्री वल्ली, देखिए श्रीवल्ली वाला जो गाना चल रहा है वो आ गया, कैसे आ गया, मेरी आवाज को उसने पहचान लिया। तो इसमें क्या है,
ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये यूजर इसका ऑडियो रिकॉग्निशन लैंग्वेज रिकॉग्निशन फीचर का यूज कर रहा है। इन फैक्ट इट इज पॉसिबल टू सर्च द वेव और ऑपरेट और कंट्रोल अवर डिवाइसेस ड्यूरिंग अवर वॉइस। तो ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बाय एनएलपी। Sometimes they will ask what is NLP. So NLP is natural language processing. An NLP system can perform text to speech and speech to text conversion as depicted in the figure 2.1. So मैंने बोला था मुझसे श्री वल्ली और मैं यूट्यूब में सर्च करने के लिए श्री वल्ली अपने आप टाइप हो गया था। तो श्री वल्ली अपने आप टाइप हो गया यहाँ पर। तो मशीन ट्रांसलेशन इज अ रैपिडली इमर्जिंग field where machines are able to translate text from one language to another with fair amount of correctness. Another emerging application area is automated customer service, where a computer software can interact with the customer to serve their queries or complaint. अगर आपने कहीं जैसे अपना टाटा स्काई रिचार्ज कराया हो या आपने आपने देखा हुआ गैस को बुकिंग कराते हैं तो वहां पर कंप्यूटर वाला सिस्टम बोलता है। कंप्यूटर से आपको पता ही नहीं चलता कि हम किसी से बात कर रहे हैं या कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटेड वो कस्टमर सर्विस है, आपकी गैस बुक हो जाती है उससे। तो ये था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई के अंदर ये थर्ड हमारा टेक्नोलॉजी इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ऐसा लगता है जैसे हम उसको किसी काल्पनिक आवाज में लगता है कि हम वास्तव में वो काम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक रूम बनाया हुआ है ये और यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा है सामने से उस यूजर को स्क्रीन दिख रहा है रोड दिख रहा है। तो वो यहाँ पर ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल में गए हों यहाँ पर आप कार खरीदने गए हों वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल भी बने होते हैं। कंप्यूटर का ये सिमुलेटर वहाँ पर रहता है। ऐसा लगता है कि हम सामने रोड दिख रहा है रोड पर हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। इस तरह के सिमुलेटर बनाए हुए हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। यानी आपको कृत्रिम आवाज आप अभी मशीन चला रहे हो तो बैठे हुए लेकिन लगेगा ऐसे जैसे आप एक्चुअल में ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन के सिमुलेटर आते हैं या कार चला रहे हैं तो कार ड्राइविंग स्कूल होते हैं वहां पर सिमुलेटर होते हैं। तो विद द थ्री डायमेंशनल वीडियोग्राफी द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवी इन थिएटर हैज रीच्ड टू ए न्यू लेवल। 3D मूवी आपने देखी होगी, अभी भी एक 83 मूवी थी वो भी 3D में आ रही थी। So, video games are also being developed to provide immersive experience to the player. Immersive experience allows us to visualize, feel, and react by simulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experience have been used in the field of training, such as driving simulator, flight simulator, and so on. So, जो train के driver रखते हैं, नए लोकोपायलट रखते हैं, उनको भी पहले ट्रेन के सिमुलेटर पे बैठाया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग कराई जाती है। जब वहां पर वो गलतियां करना बंद कर देते हैं तब उनको एक्चुअल ट्रेन पर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही फ्लाइट में भी होगा, फ्लाइट का सिमुलेटर आ जाए और कार का सिमुलेटर आ जाए। तो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस जो कंसेप्ट है वो दो तरह का है आपका, एक वर्चुअल रियलिटी है और एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो दोनों में क्या अंतर है? देखा हुआ आपने YouTube पर भी बहुत चलता है VR हेडसेट। VR हेडसेट लगाने के बाद अगर वहां पर इनको नदी दिख रही है तो ऐसा लगेगा कि नदी के पास ही है, नदी में जा रही है ना, पानी पानी में खेल रहे हैं। ऐसे इसको हटा लेंगे तब इनको पता चलेगा कि नहीं ये हम तो एक रूम में बैठे हुए। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। अगर इनको यहाँ पर अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है तो लगेगा वास्तव में ये अंतरिक्ष में चले गए। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है? Everything that we experience in our reality is perceived through our senses. From this came the idea that if we can present our senses with made up or non-real information, our perception of reality would also alter in response to that. The virtual reality VR is a three-dimensional computer-generated situation that simulates the real world. ये जो line अभी underline हो रही है, ये exam में आएगा। What do you mean by virtual reality? वर्चुअल रियलिटी से आप क्या समझते हैं? वर्चुअल रियलिटी इज अ थ्री डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट द रियल वर्ल्ड। वर्चुअल रियलिटी क्या है? थ्री आयामी कंप्यूटर से बनाई हुई परिस्थिति है जो वास्तविक संसार जैसी परिस्थितियों का आभास कराती है। तो द यूजर कैन इंटरेक्ट विद and explore the environment by getting immersed in it while interacting with the objects
another action of the user. At present, it is achieved with the help of VR headset. In order to make the experience of the virtual reality more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. क्या क्या वर्चुअल में आपको ऐसा लगेगा आपके स्मेल को भी आपने उसमें लगाई है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज यहाँ पर है, जैसे हींग की स्मेल है या किसी और चीज की स्मेल है, तो वैसी स्मेल, वैसी साउंड, वैसी मोशन और वैसा तापमान भी आपको अनुभव होगा. सो इट इज कंपैरेटिवली न्यू फील्ड ऑफ मैन हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशंस इन गेमिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मेडिकल प्रोसीजर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस and psychology, engineering and other areas where simulation is needed for a better understanding and learning. अब देखिए ये तो है simulation. और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी दोबारा से देखते हैं ये वाला natural language processing का concept use करते हैं और search करते हैं VR ऑफ बता रहा है VR headset नहीं आया तो वो बिहार लग रहा है उसको आपके पास तो वर्चुअल रियलिटी इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर जिसको हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं. और आज इस वीडियो में आपसे कुछ वीआर हेडसेट्स के बारे में ही बात करने वाला हूं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ तीन अलग अलग वीआर हेडसेट्स के बारे में. बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, तीसरा थोड़ा सा अलग है, इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको 1999 ये भी आपको अमेजोन में मिल जाएगा. दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं. तो स्टार्ट करते हैं प्रोकस वन से, फिर आपको बताऊंगा प्रोकस प्रो के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग की. मैं प्रोकस प्रो को एक बार साइड में रख देता हूँ और फ्रेम बिल्कुल क्लियर है. इजी क्लियर अनबॉक्सिंग, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल. आप बस इसको निकालिए और बॉक्स के अंदर जो कंटेंट्स है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल यूजर गाइड मिलती है, पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं. क्लीनिंग क्लॉथ है लेंसेज के लिए. और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो मिलता है वो मिलता है वीआर हेडसेट. जो वीआर हेडसेट है उसके अलावा आपको यहाँ पे छोटा सा प्लास्टिक का मिलता है एक पोर्शन जिसको आप अटैच करेंगे मैग्नेटिक बटन के लिए, जो आप इनपुट्स के लिए काम में लेंगे. आप अपने फोन में मैग्नेटो इनपुट में ले पाएंगे बेसिकली काम में. और ये है वो कंप्लीट डिवाइस जिसको हम कहते हैं प्रोकस वन. आप मेरे पास अभी बहुत बहुत सारे फोन्स हैं जिसको मैं वीआर के लिए यूज करने वाला हूं, तो आपको दिखाता हूं जो फोन्स हैं. बहुत सारे फोन्स में जायरो सेंसर है, बहुत सारों में नहीं भी है. तो ऐसे में हम देखेंगे किस तरीके से जो वीआर का एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलेगा. तो आई होप कि आपको फोन सभी देखने को मिल रहे हैं. और एक बोनस डिवाइस जो मेरे पास में है वो है तो हम सभी में चेक करने वाले हैं. बड़ा ही इजी एक्सपीरियंस है. मैं अपने फोन को जल्दी से अनलॉक करता हूं. आप सभी को पता है कि आप वीआर देखने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं. गूगल की कार्डबोर्ड ऐप को यूज कर सकते हैं. तो ये जो है ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक व्हील जिसकी मदद से आप इन अभी चेक करते हैं फ्यूचर फॉर श्योर. मैं एक बार एक जल्दी से दूसरा फोन ट्राई करता हूँ. ये 5.5 इंच का फोन था. मैं इसमें आपको मैं बताऊं दूसरी टेक्नोलॉजी क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी. ये वीआर से कौन सी रियलिटी टेक्नोलॉजी यूज करता है, वर्चुअल रियलिटी. तो वर्चुअल रियलिटी यूज करने वाले को वीआर हेडसेट बोलते हैं. नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी. सो अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, द ऑगमेंटेड रियलिटी डज नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, इट जस्ट अल्टर और ऑगमेंट्स द परसेप्शन ऑफ द अंडरलाइन फिजिकल वर्ल्ड थ्रू द एडिशनल इंफॉर्मेशन. और इसमें क्या होता है वर्चुअल रियलिटी में, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके सामने पूरी की पूरी आप उसी उसको देख पा रहे हैं. लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में एक्चुअल रियल वर्ल्ड वाले रूम में, जैसे मेरे रूम में ही मैं अपनी पोजीशन एंटर करता हूं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं इस वाले लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी. तो आप देख रहे हैं पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वहीं पर आपको डिजिटल ऑब्जेक्ट दिखने लगे. तो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी. इट एड्स द कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड. तो हमारी एक्चुअल पोजीशन है जहां पर हम हैं वहां पर डिजिटल चीजों को लेकर आ जाएगा. सो अलोंग विद द एसोसिएटेड
tactile and other sensory requirement, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. The user can access the information about the nearest places with reference to their current location. They can get information about places and choose on the basis of user review with the help of the location based AR app. तो AR app क्या हो गया, वो VR था augmented reality, और AR क्या, वो virtual reality VR था, augmented reality AR है. तो अगर वो दोनों का difference क्या है AR और VR का, तो ये देखते हैं. Difference between virtual reality and augmented reality. ये आप देखिए. स्क्रीन किया वो जो आप ऑडियो में दिखा रहे हैं उसको आवाज आ रही है आपको रिया? माइक ऑन करके बताओ. यस सर, वीडियो की आवाज आ रही है? आ रही है सर वीडियो की. तो ये मैंने शुरू कर दिया. हम जान रहे हैं पहली चीज तो हम ये क्वेश्चन आएगा वर्चुअल रियलिटी क्या है, दूसरा क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, और दोनों में अंतर क्या है. उस वीडियो से आपको ये वेलकम टू द एज ऑफ न्यू रियलिटीज वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड. The world is advancing faster than it has ever before, and it is hard to keep up with the day-to-day technological advancements. So at any given time, there is a plethora of new technologies to keep your eye on, especially if you are an investor. It's the investor's job to know the next big thing, and one of the things... This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a designer. A great one. दोस्तों आज मैं आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ. आपने अक्सर इस टर्म के बारे में जरूर सुना होगा और शायद कन्फ्यूजन भी हुआ होगा. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो बने रहिए मेरे साथ. मेरा नाम है आंसू और आपका मेरे टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में. दोस्तों वर्चुअल रियलिटी हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जो कि वर्चुअल हमें फील होता है कि वो रियलिटी है. वर्चुअल रियलिटी या वीआर के लिए हमारा फोन उसके लिए कंपेटिटेबल होना चाहिए, जैसे जायरोस्कोप सेंसर. इसके अलावा इसके लिए एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट भी चाहिए, जैसे गूगल कार्डबोर्ड, ऑकुलस रिफ्ट या सैमसंग गैलेक्सी वीआर. इन वीआर हेडसेट्स में भी सेंसर होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं. इन हेडसेट्स में फोन को डालना और फिर वीआर हेडसेट लगाने के बाद आपकी रियल दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाती है और आप दूसरे ही वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को फील करते हैं. फोन में जो भी कंटेंट प्ले हो रहा है आपको लगेगा कि आप उसके अंदर हैं. आप चारों तरफ देख सकते हैं, चल सकते हैं. अगर वो गेम है तो आप उसे खेल भी सकते हैं वीआर कंट्रोलर से. इसके अलावा आप 360 डिग्री वीडियोज भी देख सकते हैं वीआर हेडसेट में. दोस्तों 360 डिग्री वीडियोस और वीआर कंटेंट डिफरेंस है. वीआर कंटेंट आपके लिए डेवलपर्स के द्वारा डेवलप की हुई डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आप खेल सकते हैं, आप चल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं. बट 360 डिग्री वीडियोस में 360 डिग्री कैमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो होती है जो हम वीआर हेडसेट में भी देख सकते हैं या उसके बिना भी मोबाइल या कंप्यूटर में देख सकते हैं. वीआर कंटेंट में आप चल भी सकते हैं और चारों तरफ देख भी सकते हैं, बट 360 डिग्री वीडियो में आप सकते हैं बस चारों तरफ देख सकते हैं. तो दोस्तों ओवरऑल वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि आप इसमें खुद को दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड में फील करते हैं. आप आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी देख सकते हैं, चल सकते हैं, खेल सकते हैं. आपका बाहरी दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल कट सा जाता है. तो ये वीआर पूरे इंटरटेनमेंट के लिए है. वीआर गेम खेलिए, कंटेंट देखिए, डायनासोर के साथ घूमिए, 360 वीडियोस देखिए, जो चाहे कर सकते हैं. अब दोस्तों बात करते हैं ऑगमेंट की. वर्चुअल रियलिटी में आपने देखा कि आप पूरी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में खो से जाते हैं, बट ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर रियल वर्ल्ड में ही वर्चुअल चीज़ों को ऐड करता है. एआर के लिए मॉनिटरलेस ग्लास या आपके फ़ोन स्क्रीन का यूज़ होता है. आपने जैसे अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रियल वर्ल्ड के साथ एक डायनासोर दिखने लगा, तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है. आपने पोकेमोन गो ऐप में भी देखा होगा कि फ़ोन में रियल वर्ल्ड नज़र आते हैं,
या फिर स्नैपचैट में वर्चुअल मास्क आपके फेस पर नजर आता है, सब कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी है। इसका फन वे में भी यूज किया जा सकता है और यूजफुल कामों में भी, जैसे गूगल ग्लास आपको रोड पे आपको सिटी की डिटेल्स दिखाती है, आप रियल वर्ल्ड को देख रहे हैं और आपको वर्चुअली हेल्प भी मिल रही है एआर से। एआर बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, अभी तो बहुत लिमिटेड है एआर, बट इसकी स्कोप और कैपेसिटी इंडलेस है। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई करते टाइम एआर से वर्चुअली हेल्प मिल सकती है, डॉक्टर को ऑपरेशन में प्रिसीजन के लिए एआर की हेल्प मिल सकती है, घर बनाने के लिए कलर सिलेक्शन हो या सामान की प्लेसमेंट हो, और भी कई इंडलेस अपॉर्चुनिटी है, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। एआर में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है हमारे लाइफ को और ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाने की, और कंपनीज एआर पे ध्यान भी दे रही है, जैसे एप्पल की एआर किट, गूगल की एआर कोर, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अभी तो हमें आयरन मैन जैसी ऑगमेंटेड रियलिटी भी अचीव करनी है। तो दोस्तों आई होप आप एआर और वीआर के बारे में समझ चुके होंगे। वीआर में हम पूरी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, वहीं एआर में हमें रियल वर्ल्ड में ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखते हैं। वीआर में आप वर्चुअली डायनासोर के साथ घूम सकते हैं और एआर में डायनासोर आपके पार्क में ही आ जाएगा। वीआर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, बट एआर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिव वर्क दोनों के लिए है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट एंड। ये था एआर और वीआर। वीआर में हम डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते हैं स्वयं, जबकि एआर में हम रियल वर्ल्ड में ही डिजिटल चीजों को ले आ सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चौथी और लास्ट टॉपिक है रोबोटिक्स। तो रोबोट इज बेसिकली मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Unlike other machines, a robot is programmable, which means it can follow the instructions given through the computer program. The robots were initially conceptualized for doing the repetitive industrial tasks that are boring and stressful for human or were labor sensitive. शुरू में रोबोट इसलिए बनाए गए थे इंडस्ट्रीज में ऐसे काम करने के लिए जो बहुत बोरिंग और स्ट्रेस वाले होते थे और रिपीटेटिव टास्क होते थे, उनको करने के लिए ह्यूमन की जगह पर रोबोट को बनाया गया था। The sensors are one of the prime component of robot. Robot can be of many types, such as wheeled robot, legged robot, manipulators and humanoids. So robots that resemble the humans are known as humanoids. ऐसे रोबोट जो मनुष्य के जैसे दिखते हैं वो humanoid कहलाते हैं। So robots are being used in the industries, medical science and biomics, scientific रिसर्च, मिलिट्री एक्सेट्रा। सम एग्जाम्पल्स आर नासा। नासा मार्स जो मंगल ग्रह पर नासा का वो गया था अंतरिक्ष यान, तो नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER मिशन इज रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अराउंड द प्लेनेट मार्स। तो यहाँ पर वो किया गया था। सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, visual data processing, facial recognition, and also imitates the human gesture and facial expression as shown in the figure. Sophia का photo दिया हुआ है next video में। और 2.5 में NASA के Mars mission का दिया हुआ है। अब drone आ रहे हैं, कल ही आपने सुना होगा UAE में drone से हमला किया गया है, समाचार में आ रहा था। ये drone और drone शादियों में video recording के लिए use होने लगे हैं। ये drone is an unmanned aircraft which can be remotely controlled and fly automatically through system control flight plans in their embedded system, working in conjunction with the onboard sensor and GPS. तो यहाँ पर आप पहला वाला फिगर देख रहे हो, NASA Mars Exploration Rover, ये एक तरह का रोबोट है। दूसरे में आप एक ह्यूमनॉइड देख रहे हो, इसे महिला जैसा दिख रही है, मशीन है, रोबोट है, जिसको सोफिया नाम दिया गया है, ह्यूमनॉइड। और तीसरा है आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, इसको ड्रोन बोलते हैं। तो ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन मेनी फील्ड्स सच एज जर्नलिज्म, फिल्मिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, शिपिंग और डिलीवरी एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, जियोग्राफिक मैपिंग एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग, स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शंस, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड कोचिंग, बिसाइड्स लॉ एनफोर्समेंट एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग। बहुत सारे काम ड्रोन से हम कर रहे हैं। तो कैन ए ड्रोन बी हेल्पफुल इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी? यस, अगर कहीं पर बाढ़ आ रही है और हम वहां पर जाके नहीं देख पा रहे हैं, क्या स्थिति में लोग फंसे हुए हैं, तो ड्रोन उड़ाकर भी देखा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इमर्जिंग ट्रेंड्स, और चार तरह की टेक्निक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ी। पहली थी आपकी मशीन लर्निंग, दूसरी थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
और तीसरी थी आपकी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, उसके अंदर दो टेक्नोलॉजी है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में, एक वर्चुअल रियलिटी और एक ऑगमेंटेड रियलिटी, और चौथा हमने पढ़ा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का आपने सुना इनके पीछे में उन्होंने रोबोट बना दिया है ना, दिनेश पटेल हमारे साथ ज्वाइन किया था उन्होंने, दिनेश पटेल पटेल रोबोट, देखो आ गया गूगल पे, तो मुंबई के शिक्षक जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर है इन्होंने ये। There is no small business. There is only a small business owner. Many a times entrepreneurs come. Hello everyone. I am Shalu. Nice to meet you. ये शालू है जो IIT बॉम्बे केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा विकसित की गई है। ये एक सामाजिक मानवीय रोबोट है। रोबोट शालू मनुष्यों के समान ही काम करती है। ये हाथ मिलाने, हंसने, गुस्सा दिखाने और मजाक बनाने जैसे मानवीय इशारे भी कर सकती है। ये एक ऐसा सामाजिक मानवीय रोबोट है जो 9 भारतीय भाषाओं में संवाद कर सकता है। इसके लिए दिनेश ने इसमें एक ऐसा सेटअप किया है कि ये लोगों को पहचानने और उन्हें याद करने और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने और अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल में अनौपचारिक बातचीत करने में भी सक्षम है। मैं आपको शालू जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वाकई भारत की 9 भाषाएं हिंदी भोजपुरी सहित और विदेश की 38 भाषाएं जानती है। हाँ, वो टूटी फूटी सही नहीं है, वो सीख रही है पर बोल सकती है उन भाषाओं में। जैसे आज हम लोगों ने जर्मन और जापानीज भाषाओं का यूज किया, मुझे चूंकि भाषाएं नहीं आती इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ वो कन्वर्स कर पाती हैं अगर उनसे कोई उन भाषाओं में बात करे तो। शालू रोबोट बनाने के लिए दिनेश ने घर में मौजूद सामान और निकट बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग किया है। अब अगर कोई ये पूछे कि इस रोबोट का उपयोग किया है तो हम कह सकते हैं कि ये बहु उपयोगी है। शालू एक शिक्षक हो सकती है, स्कूलों में छात्रों के सवालों का जवाब देने के लिए रोबोट टीचर के रूप में काम कर सकती है, सवालों के जवाब देने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यालय में भी काम कर सकती है, न केवल मौखिक रूप से बल्कि ये ईमेल के माध्यम से भी घर पर या फिर बूढ़े लोगों और बच्चों के लिए एक साथी के रूप में सकती है। यानी कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल की ये कोशिश कोरोना के इस दौर में और भी ज्यादा लाभकारी साबित होगी। मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और कोई डाउट हो आपकी क्लास में तो पूछ लीजिएगा, कल का हमारा टॉपिक रहेगा बिग डेटा, ठीक है? यस सर। सर कल क्लास में क्या हुआ था? कल क्लास कनेक्ट नहीं हुआ था कल कल यस सर वही तो 8:30 बजे कनेक्ट करी थी। हाँ कल की क्लास में हुआ था बेटा, तू नहीं कनेक्ट हुआ था। ओके सर, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं।